हेलो फ्रेंड्स, विशाखा टेस्ट शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ एक प्राइमर का, जो कि है लोटस प्रो एडिट सिल्क टच ल्यूमिनाइजिंग प्राइमर का। और इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की है, और इसका जो प्राइस है वो है 745 रुपीज़। इसका शेल्फ लाइफ है 3 साल, और उसी के साथ इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है 20 ml। सो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके इनर पैकेजिंग। सो इसकी इनर पैकेजिंग है कुछ इस तरह की, तो कि ऊपर से वाइट है और नीचे इसका जो सिग्नेचर कलर है वो है। और उसी के साथ ये आता है ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, ऑयल फ्री है, हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, एनरिच्ड विद जैपनीज सेक्यूरा एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई है। सो ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, क्रुएल्टी फ्री भी है। तो लोटस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मेरे वन ऑफ फेवरेट प्रोडक्ट हैं। इवन नॉट इन मेकअप, मैंने बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट भी लोटस के ट्राई किए हैं एंड देट वॉज अमेजिंग। सो मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ। इस प्राइमर को मैं ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने से यूज़ कर रही हूँ, और इसकी जो पैकेजिंग आती है इसकी लिड ओपन करने पर कुछ इस तरह की है, तो पूरा जो प्राइमर है वो वेस्ट नहीं होता, जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से ही निकलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये वाइट फॉर्मेट में प्राइमर आता है, और इसके अंदर थोड़े से शिमरी पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन को शाइन देते हैं, आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं, और आपके स्किन पर एक अच्छी सी लेयर बनाते हैं जो कि आपके फाउंडेशन को अच्छे से सेट रखती है। आप देख सकते हैं बहुत ही नॉन ग्रीजी फॉर्मूला के साथ आता है। सो इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पर एक बैरियर बन जाता है जो फाउंडेशन को आपकी स्किन को हार्म नहीं करने देता, एज वेल एज ये ऑयल भी कंट्रोल करता है, जिससे कि आपका फाउंडेशन ऑयल फ्री रहता है, आपका मेकअप स्वेट प्रूफ रहता है। तो यू कैन सी इस वक्त मैंने इसी प्राइमर को लगाकर अपना बेस मेकअप रेडी किया हुआ है, एंड बेस जो है वो बिल्कुल फ्लॉलेसली लगा हुआ है। सो मैं इस प्राइमर को हाईली रेकमेंड करूंगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन गो विद दिस। सो ये प्राइमर जो है ना वो बिल्कुल सिल्की स्मूथ टेक्सचर के साथ आता है, जबकि आपके फेस पर अच्छे से फैल जाता है, वो भी नॉन ग्रीजी तरीके से, और उसके बाद ये आपके फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से सेट करके रखता है। आपको इसे अपने ऑयल एरिया पर लगाना है, जैसे टी जोन पर आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऑल ओवर फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी बहुत ही कम मात्रा में क्वान्टिटी जो होती है वही आपके पूरे फेस के लिए इनफ होती है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, और पूरा का पूरा फेस्टिवल सीजन में मैक्सिमम वीडियोज़ मैंने इसी प्राइमर को यूज़ करते हुए ही बनाई हैं। So, आप मेरे उन मेकअप्स को भी देख सकते हैं कि किस तरह से सॉफ्ट एंड सटल मेकअप रहा है मेरा फेस्टिवल सीजन के दौरान। सो आप इस वक्त देख सकते हैं मैंने जो अपना प्राइमर यूज किया है इस वक्त बेस मेकअप को सेट करने के लिए, वो इसी प्राइमर को यूज किया है, और बहुत ही अच्छे से इसने फ्लॉलेसली मेरे फेस के मेकअप को सेट करके रखा हुआ है। सो मैं इस प्राइमर को हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको इस प्राइमर में जाना चाहिए, एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, और ये 3 साल के लिए इनफ है। और चूंकि इसकी मिनिमम क्वांटिटी ही आपके पूरे फेस के लिए इनफ होती है, तो अगर आप इसे एक बार परचेज कर भी लेते हैं तो आपके पास ये बहुत लंबा चलने वाला है। और उसके अलावा आपका जो प्राइमर होता है इट्स अ बेस मेकअप करने से पहले, तो प्राइमर आपके पास अच्छा होना ही चाहिए। सो यू कैन गो विद दिस। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।